करीम अस्सलाम वालेकुम देसी टीवी यूएसए तो पंजाबी खबरां दे नाल मैं हानिमरा मलिक एक नजर अज दी ताजा तरीन पंजाबी खबरां ते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दे नाल मुलाकात दे लई मास्को दे शहर क्रेमलिन पहुंच गए। रूस ते यूक्रेन ते हमले दे वक्त यूक्रेन दे सफीर विडियम प्रेस्टिको एक न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे सन। I prepare for each and every one of you. I'll give it to you. This is the list of sanctions in the financial sphere only. You will have it by the end of this conversation. But the SWIFT is here as well. We want the SWIFT. We want SWIFT. We want the Russian Central Bank to be sanctioned. We have a list of very heavy sanctions. अमरीका विच यूक्रेन दी सफीर ओक्साना मार्कारोवा यूक्रेन दे सफारतखाने तो रीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही सी और यूक्रेन ते रूस ते मुकम्मल हमले ते तबादला ख्याल ते मुज़म्मत कीती। वी एक्सपेक्ट द अनाउंसमेंट्स सून फ्रॉम द यूएस बट फ्रॉम ऑल अदर फ्रेंड्स एंड एलाइज। वी बिलीव इट हैज टू बी एवरीथिंग। वी बिलीव ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड बी सैंक्शनड। برطانی وزیر اعظم بورس جانسن یوکرین تے روس دے حملے دے حوالے تو ریمارکس دے رہے نے۔ Sure that we are telling people exactly what is going on and to the best of my knowledge at the moment the Ukrainians are resisting much more strongly than some people had thought that they would. Who knows how long they can keep going. Let's hope they can, and let's encourage them to do so. But Mr. Speaker, let's get the message out as well. I think that is our job. नूर मुकदम दे कातिल नू सजाए मौत पाकिस्तान दी एक अदालत ने जुमेरात नू अमीर सनतकार खानदान दे बेटे जाहिर जाफर नू अपनी गर्लफ्रेंड दा रेप करन ते इस दा सर कलम करन दे जुर्म विच मौत दी सजा सुना दित्ती है। 27 साला नूर मुकदम दे कतल ते पाकिस्तानी खवातीन दी जानिब तो शदीद गम गुस्से दा इजहार कीता गया है। 30 साला पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी जाहिर जाफर ने गुज़श्ता साल जुलाई विच नूर मुकदम नू अपने घर ते हमला करके कतल कर दिता। 27 साला नूर मुकदम ने जाहिर जाफिर दी शादी दी पेशकश नू मुस्तरद कर दिता। कतल तो पहले जाफिर ने नूर नू तशद्दुद दा निशाना बनाया सी ते एक तेज धार आले तो इस दा सर कलम कर दिता। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट दे जज अतार अबानी दा कहना है कि मरकजी मुलजिम नू सजाए मौत सुना दिती गई है। इस केस विच जाहिर जाफिर दे वालदैन जाकिर जाफिर ते इस्मत आदम जी नू इस जुर्म विच मुलविस नहीं पाया गया, लेकिन इस कतल विच दो सहूलतकार जेड़े घर दे मुलाजमीन से उन्हां नू 10-10 साल दी सजावां सुना दित्तियां गईयां। पाकिस्तान दे सऊदी अरब दी अफवाज दी मुश्तरका मशकां अलसमसाम जारी ने। दो हफ्तियां ते मुश्तमिल फौजी मशकां दोनों ममालिक दी अफवाज कौमी अंसदादे दहशतगर्दी सेंटर पब्बी विच कीती जा रही है। रूस ने यूक्रेन ते हमले तो बाद आलमी मंडी भी तेल $100 फी बैरल तो तजावज कर गया है, जबकि स्टॉक मार्केटां भी शदीद मंडी दा शिकार हो गई ने। रूस ने यूक्रेन ते हमले तो बाद आलमी मंडी विच तेल दी कीमत $100 फी बैरल तो तजावज कर गई, लेकिन दौराने ट्रेडिंग सोने विच फी औंस कीमत $16 वध गई है। वबाई अमराज दे पहले साल विच हमल तो मुतल्लिक अमवात विच इजाफा होया। बुध नूं जारी होण वाले ही हुकूमती रिपोर्ट दे मुताबिक अमरीकी मावां दे लई हमल तो मुतल्लिक अमवात वबाई मर्ज तो पहले साल बुलंद होईयां, जिसने दहाइयां तो जारी रुझान नूं जारी रखिया जिहड़ा सियाफ आम लोकां दे लई गैर मुतनासिब तौर ते मुतासिर करदा है। मजमूई तौर ते 2020 विच फी 1 लाख पैदाइशां विच तकरीबन 24 अमवात होईयां या मजमूई तौर ते 861 अमवात होईयां। ओह तादाद जिहड़ी हमल वलादत या इस तों बाद दे साल दे दौरान मरण आली मावां दी अकासी करदी है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारां नूं टिकट क्यों नहीं देंदी? वज़ीर-ए-आज़म मोदी दी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश दे असेंबली इंतखाबात विच इस मरतबा फिर किसी मुसलमान नूं उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि इस रियासत विच 36 नशिस्तां ऐंदियां ने जिथे मुसलमान अपने बलबूते ते जित सकदे ने। सारयां दा साथ सारयां दी तरक्की ते सारयां दा एतमाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी दा मशहूर नारा है। हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी दी हुकूमत एंटी बिला तफरीक मजहब दी हर भारतीय
शहरी नूं नाल लै के चलण ते जिंदगी दे तमाम शोबियां वी तरक्की दे लई यकसा मौके फराम करन दे दावे कर दिए, लेकिन अमली तौर ते ना ते इस दा कोई सबूत नजर आंदा है ते ना ही जमीनी हकायक इस दावे दी तस्दीक करदे ने। हुण तक ले NI मजीद बाखबर रहण दे लई विजिट करो साडी वैबसाइट www.dctvusa.com, क्लिक करो साडा लिंक ट्री ते सोशल मीडिया दी लामहदूद दुनिया नूं वेखो। साडे चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब करना ना भुलना। अल्लाह हाफिज़।